वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं हूं नफीसा आपके साथ। आज मैं आई हूं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह और ऐतिहासिक जगह, तो वो कौन सी जगह है आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत सारी बातें हम लोग यहां पे बताने वाले हैं आपको, बहुत सारी जो चीज़ें वो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बट दिखाएंगे आगे आगे, तो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं। और पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, बहुत अच्छी जगह है। और गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आई हूँ आज कुतुब मीनार। तो जी हाँ, मैं आज आपको कुतुब मीनार की सैर करवाने आई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत ही बड़ी मीनार है, अभी तक की सबसे बड़ी मीनार, ऊंची जो मीनार है वो यही है, और काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक मीनार है ये। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मीनार 700 साल से भी पुरानी मीनार है, और मीनार के चारों तरफ हरा भरा बगीचा भी है, जिसकी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। गाइस, आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत 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 ज्यादा अच्छी जगह है। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आप यहाँ पे फोटोशूट भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए बहुत ऑसम जगह है गाइस ये। गाइस, के आप जानते हैं इस बंदरवाजे के पीछे का राज? तो हाँ, मैं आपको यहाँ का राज भी बताने वाली हूँ, जो इस बंद दरवाजे के पीछे का राज है, वो क्यों बंद है, कुतुब मीनार को क्यों बंद करा गया है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन वो सारी बातें आपको जानने के लिए देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो, तो एंड तक बने रहें। और यहाँ के बारे में सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको। गाइज, ये जगह पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, आप यहाँ पे पिकनिक के लिए फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे आप अंदर खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अंदर कुछ भी खाने पीने के सामान लाना अलाउड नहीं है। गाइस, यहाँ पर बीच में एक ये 7 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बना हुआ है लोहे का, और लोग इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बहुत घूमते हैं यहाँ पे, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो जगह बनी हुई है, ये एक खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे इसके बैक साइड पे। और कपल्स अगर आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा वैसा कुछ कर सकते नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये एक फैमिली प्लेस भी है, तो कुछ ज़्यादा सोच के बताइएगा यहाँ पर आप। गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो कुतुब मीनार के ऊपर खूबसूरत उर्दू के लफ्ज़ों में कुछ आयतें लिखी हुई हैं, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती कि गाइस, जो इसका दरवाज़ा जो है वो काफ़ी साल पहले बंद कर दिया गया था, कि यहाँ पे कुछ एक हादसा हो चुका था, तो उसकी वजह से यहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। नहीं तो पहले बोलते थे कि यहाँ पे कुतुब मीनार में जाने देते थे, बट अब यहाँ का दरवाज़ा बंद है। तो गाइस, मैंने आपको कुतुब मीनार दिखा दी, आपको कैसी लगी कुतुब मीनार आपको मुझे बताना है कमेंट करके। और
यार मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, सिर्फ मेरी वीडियो को एक लाइक दीजिए और आप कुछ मत करिए, शेयर मत करिए अगर आपका दिल नहीं करता, और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, बट मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को एक लाइक तो करें कम से कम, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो। और कैसी लगी ये भी बता देना, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।